Hello and welcome everyone, and welcome to another set of videos for KVS PGT Computer Science. Now if you want to download the PDF copy of this video, that is whatever the slides I have used in this video, agar aap is video ke andar jo slides maine use ki hai usko download karna chahte hain to aap hamari website www.digimentor.com. so main spelling bar fir se yahan par likh deta hu, website jo hai that is DIGIMENTO digimentor.com. तो आप हमारी वेबसाइट digimentor.com पर जा सकते हैं और वहाँ से आप इस वीडियो लेक्चर की जो PDF कॉपी है, जो स्लाइड है, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और ये जो स्लाइड है ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है. आप इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह के और भी काफ़ी सारे जो कंटेंट है जो यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन के अंदर मैं शेयर करता हूँ, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन हमने बनाया है विच इज़ दिस डाउनलोड सेक्शन. तो इस डाउनलोड सेक्शन पर जाकर आप और भी काफ़ी एग्जामिनेशन बाकी एग्जामिनेशन के लिए फ्री कॉन्टेंट, फ्री मटेरियल आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं. और अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स सेक्शन में जाइए और वहाँ से आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम जो डिस्कस किया था, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर चुके थे. अब इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन अपना कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 में दे आर सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूजेज रिकर्जन. इनमें से कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम रिकर्जन को यूज करती है. अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट, ये तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर हमें रिकर्जन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मर्ज सॉर्ट के अंदर हम रिकर्जन करते हैं. किस तरीके से करते हैं, अगर मैं मर्ज सॉर्ट का फंक्शन लिखूंगा तो फंक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा, मर्ज सॉर्ट ऑन अरे ए वेयर स्टार्टिंग इंडेक्स लोकेशन इज पी एंड एंडिंग इंडेक्स लोकेशन इज आर. तो जैसे कि अगर हम लोग एक अरे आपके पास इस तरीके से है, इस अरे के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स लोकेशन को अगर मैं पी मानता हूँ और एंडिंग इंडेक्स लोकेशन को अगर मैं आर मानता हूँ, सो इस अरे ए के ऊपर हम लोग मर्ज सॉर्ट लगाएंगे. तो किस तरीके से लगा सकते हैं, इफ़ पी इज़ लेस देन आर, इसके कहने का मतलब है कि एटलीस्ट हमारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए, उसके बाद वी आर गोइंग टू से क्यू इज़ इक्वल टू पी प्लस आर डिवाइड बाय टू, यानी कि इसका एक मिडल पॉइंट निकाल लीजिए क्यू. अब उसके जो लेफ्ट हाफ है वहाँ पर मर्ज सॉर्ट कॉल कीजिए, उसके राइट हाफ पर भी मर्ज सॉर्ट कॉल कीजिए. सो आई एम गोइंग टू कॉल मर्ज सॉर्ट ऑन ए पी कॉमा क्यू. इन द सेम वे ये हमने लेफ्ट हाफ के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक मर्ज सॉर्ट कॉल किया है, फिर हम रिकर्सिवली इसको कॉल करेंगे ऑन द राइट हाफ. सो इट विल बी मर्ज सॉर्ट ए क्यू प्लस वन कॉमा आर, यानी इसका जो राइट हाफ है यहाँ से जो लोकेशन है, दिस इज लोकेशन क्यू प्लस वन, तो यहाँ से लेकर एंड तक इस लोकेशन पर हम लोग मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम मर्ज करेंगे. सो आई एम गोइंग टू कॉल द मर्ज फंक्शन. सो मर्ज ए पी क्यू एंड आर. सो ये जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन है, मर्ज सॉर्ट जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, इस मर्ज सॉर्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर हम लोग रिकर्सिव कॉल्स करते हैं, यानी कि रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज़ द रिकर्सिव फंक्शन इन केस ऑफ मर्ज सॉर्ट. ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोलता है द मैकेनिज्म दैट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट अ डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस इज़ नोन एज. कहने का मतलब है कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे वेबसाइट है हमारे पास www.google.com या फिर हमारी जो वेबसाइट है www.digimentor.com, तो अब जब भी कोई वेबसाइट आपके पास होगी इस तरीके से और आप इस वेबसाइट को कन्वर्ट करना चाहते हैं इस तरह के डोमेन नेम से किसी आईपी एड्रेस के अंदर, जैसे कि हमारे पास है 159.1.something, तो इस तरह के किसी आईपी एड्रेस के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इनमें से इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं. बेसिकली इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं DNS. तो DNS सर्वर्स हमारे पास होते हैं जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं. अब देखो हर एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी ईजी है. पहला है हमारे पास HTTP, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बेसिकली जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के वेब पेज को हमें डाउनलोड करना होता है सर्वर से. तो जो वेबसाइट का वेब पेज है उसको हम ट्रांसफर करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस HTTP विच इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिकॉज हम एक HTML पेज को ट्रांसफर करते हैं. HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसको डाउनलोड करने के लिए या फिर इसको ट्रांसफर करने के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब जो दूसरा है URL बेसिकली एक नाम है इस तरह के नाम का, जैसे कि हम लोग www.google.com यूज़ करते हैं, तो ये जो www.google.com है इसको हम बोलते हैं URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एक रिसोर्स को लोकेट करने के लिए आप एक नाम को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं URL. तीसरा है आपके पास FTP. अब जो FTP है इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि फाइल को
ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, तो इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब जो DNS है, DNS का काम ये है कि जब आप अपने वेब ब्राउज़र पर जाकर टाइप करोगे www.gatelectures.com या फिर www.digimento.com, अब इस रिक्वेस्ट को हम सेंड करेंगे एक राउटर के पास। अब ये जो राउटर है इसके पास अपनी लोकल कैश होता है जहाँ पर ये चेक करता है कि अगर ये वेबसाइट हमने पहले भी विजिट किया है तो इस वेबसाइट का IP एड्रेस क्या है। अगर राउटर के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी देन इट विल आस्क फॉर दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिलेटेड राउटर्स या फिर जो आसपास के राउटर्स हैं, या फिर जो हमारे पास एक सर्वर होता है जो DNS सर्वर होता है, डोमेन नेम सर्वर, इट विल आस्क द रिक्वेस्ट ऑफ कन्वर्टिंग दिस डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस फ्रॉम दिस DNS सर्वर। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं DNS यानी कि डोमेन नेम सर्वर। ओके, सो डोमेन नेम जो सर्वर है वहाँ से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब है द यूनिट रिसीविंग द डेटा आइटम रिस्पॉन्स विद अनदर कंट्रोल सिग्नल टू एक्नॉलेजमेंट रिसेप्ट ऑफ डेटा। दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिपेंडेंट यूनिट्स इज नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें से इस तरह के जो हमारे पास एग्रीमेंट है इसको हम बोलते हैं बेसिकली हैंड शेकिंग। तो मैं सब में डिफरेंस में एक बार बता देता हूँ कि पिगी बैकिंग, मल्टी टास्किंग, हैंड शेकिंग में डिफरेंस क्या है। देखो जो पिगी बैकिंग है, पिगिंग बैकिंग का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। एज्यूमिंग ये हमारे पास सेंडर है और ये हमारे पास रिसीवर है। अब सेंडर एक डेटा आइटम रिसीवर को भेजना चाहता है। अब सेंडर को एक सिंपल सा मैसेज सेंड करना है हाई। अब हाई मैसेज जो है इट विल बी वेरी स्मॉल मैसेज, मे बी जो अगर एच का साइज आपका 1 byte है तो ये आपका 2 to 4 byte का मैसेज होगा आपके पास। अब इस मैसेज को अगर हम नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे, अब इस नेटवर्क के कुछ लिमिटेशंस हैं, हम कुछ इसकी सेटिंग्स होती हैं जिसको हम MTU, एक तरह से MTU जो है मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, इसको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इस नेटवर्क के थ्रू हम बताएंगे कि मिनिमम जो भी डेटा हम सेंड करेंगे उसका साइज़ क्या होगा और जो मैक्सिमम जो हम डेटा सेंड कर सकते हैं डेटा पैकेट उसका साइज़ क्या होगा। अब एज्यूम करो मिनिमम डेटा पैकेट जो हम सेंड कर सकते हैं उसका साइज़ है 64 bytes और ये जो मैसेज है ये हमारा बहुत स्मॉल मैसेज है। इस मैसेज के साथ हम हेडर इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ऐड करेंगे और एज्यूम करो इस मैसेज का साइज़ है वो बन जाता है हमारे पास 40 bytes। अब मिनिमम डेटा हम सेंड करेंगे 64 byte लेकिन मैसेज का साइज़ बन रहा है 40 bytes, तो हम इस मैसेज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा यानी कि डमी इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। तो उस डमी इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं पिगी बैकिंग। सो पिगी डेटा यानी कि पिगी बैकिंग इन्फॉर्मेशन हम उसको ऐड करते हैं, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं ताकि इस मैसेज का साइज इंक्रीज हो जाए ताकि हम इस मैसेज को इस नेटवर्क के थ्रू सेंड कर सकें। ठीक है, अब दूसरा होता है हमारे पास मल्टीटास्किंग। एक तरीके से मल्टीटास्किंग अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म्स में कहें या कंप्यूटर्स के टर्म्स में कहें तो मल्टीटास्किंग हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी पढ़ा है कि हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि एक टाइम पर एक सारा टास्क को कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने मल्टीटास्किंग को पढ़ा है, जिस तरह से नेम स्पेसिफाई करता है यही उसका मीनिंग है। ऐसी जो हमारे पास स्ट्रोब कंट्रोल है, स्ट्रोब सिग्नल है, इसको हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्ट्रोब सिग्नल को पढ़ा था। तो जो स्ट्रोब सिग्नल है एक तरीके से इट इज़ जस्ट लाइक सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर कि हम लोग एक कोई डेटा पैकेट सेंड करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रोब सिग्नल भी सेंड करते हैं। अब जो हैंड शेकिंग का मतलब क्या है कि हम लोग किसी डेटा को सेंड करने के लिए सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से जो सेंडर और रिसीवर है वो एक दूसरे से एग्री हो जाए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ सेंडर वांट टू से कि रिसीवर को कि जो डेटा पैकेट मैं सेंड करना चाहता हूँ उस डेटा पैकेट का साइज़ होगा 64 bytes। ठीक है, तो रिसीवर बोलेगा ठीक है आई एम रेडी फॉर रिसीविंग 64 bytes और जो डेटा पैकेट मैं सेंड करूँगा लेटर से उसका साइज़ है 48 bytes। तो सेंडर से ठीक है आई एम ऑल्सो रेडी। तो उसके बाद सेंडर जो है वो रिसीवर को अपना डेटा पैकेट सेंड करेगा कि ये लीजिए मैंने अपना डेटा सेंड कर दिया। अब रिसीवर उसके रिगार्डिंग उसके अगेंस्ट रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा ये कहने के लिए कि यस आपका जो डेटा पैकेट है वो मुझे मिल गया है, अब आप अपना नेक्स्ट डेटा पैकेट मुझे सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक हैंड शेकिंग यूज़ करते हैं यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक तरह से समझौता होता है किसी टर्म्स को लेकर कि मैं आपको ये इतना डेटा सेंड करूँगा, एक पैकेट का साइज़ इतना होगा, रिसीवर बोलेगा एक पैकेट का साइज़ इतना होगा, ये बताएगा कि जो भी पैकेट मैं सेंड करूँगा उसका सीरियल नंबर इतना होगा, रिसीवर बताएगा जो भी पैकेट मैं सेंड करूँगा उसका सीरियल नंबर इतना होगा, तो वगैरह वगैरह। तो उसके लिए एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को हम दोनों एक दूसरे से सिंक्रनाइज हो जाए कि इस तरह का जो डेटा मिलेगा हम उसको कैसे रीड करेंगे या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है एनीवेज। ओके, अब देखो यहाँ पर बोलता है द यूनिट रिसीविंग द डेटा आइटम रिस्पॉन्स विद अनदर कंट्रोल सिग्नल टू एक्नॉलेजमेंट रिसेप्ट ऑफ द डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एक डेटा की एक्नॉलेजमेंट रिसेप्ट भेजेंगे और हम डेटा को सेंड करने से पहले कंट्रोल सिग्नल्स भी सेंड करते हैं फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ हैंड शेकिंग।
ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए. अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम जावा. सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि बेसिकली मुझे जावा कैसे पता चला, बाय जस्ट चेकिंग दिस वन. मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ा कि जावा का कोड है, किस लैंग्वेज का कोड है, बाय जस्ट चेकिंग द कोड किस तरह का फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया गया. तो मुझे क्लियरली पता है कि जो फंक्शन है ये सी लैंग्वेज या सी प्लस का फंक्शन नहीं है, ये एक जावा का फंक्शन है. तो वो पूछा है कि इस फंक्शन में क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी. देखो पहली स्टेटमेंट एकदम ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस स्टेटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो प्रॉब्लम है वो इस फंक्शन के अंदर है. देखो हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं हमारे पास जावा में, एक होता है हमारे पास डॉट लेंथ फंक्शन और दूसरा होता है हमारे पास डॉट लेंथ फंक्शन. तो बेसिकली ये जो फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास x अगर एक इंटीजर अरे है तो हम x डॉट लेंथ करेंगे. सो दिस इज अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन बिकॉज ये बताएगा कि इस इंटीजर अरे की लेंथ कितनी है. अगर मैं x डॉट लेंथ इस तरीके से करता हूँ तो बेसिकली ये जो हमारे पास फंक्शन है हियर, आप क्लियरली देख सकते हैं जो फंक्शन है हमारे पास, ये स्ट्रिंग्स के केसेस में यूज़ होता है कि एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होती है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं, और ये यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ अरेस. अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम यहीं पर ही है कि आप जो लेंथ फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं ये स्ट्रिंग्स में यूज़ करते हैं, इसको हम इस तरह के वन डायमेंशनल इंटीजर अरे के अंदर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे. तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है. दूसरा ऑप्शन बोलता है कि p इज लेस देन इक्वल टू x डॉट लेंथ शुड बी p इज लेस देन इक्वल टू x डॉट लेंथ. तो यहाँ पर भी वही मिस्टेक है. तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू की बात की गई, यहाँ लेस देन की बात की गई है, ठीक है. और यहाँ पर जो बात की गई है थर्ड केस में, ये जो थर्ड केस में बात की गई है, ये बात की गई है इस फंक्शन से रिलेटेड कि यहाँ पर x डॉट लेंथ होना चाहिए, इट्स नॉट बी जो लेंथ, ये जो है इसको हम हटा के इस तरीके से फंक्शन को यूज़ करेंगे. सो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है. अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो लेंथ फंक्शन है, लेंथ फंक्शन हमें देता है इस अरे की इंडेक्स लोकेशंस कि इस अरे का टोटल साइज़ कितना है, तो हम टोटल साइज़ बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं. तो देखो जो साइज़ है यहाँ पर वो हमारे पास जो p है वो, अगर इसकी जगह पर हम नॉर्मल लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं, ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए था p इज़ लेस देन इक्वल टू x डॉट लेंथ. ओके तो यहाँ पर ये इक्वल टू की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जो टोटल अरे की लेंथ है यहाँ पर अगर 10 है, इसकी लेंथ पर 10 देगा, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इंडेक्स लोकेशन 0 से लेकर 9 तक. तो यहाँ पर आना चाहिए p इज लेस देन x डॉट लेंथ, लेकिन जो फंक्शन है वो लेंथ फंक्शन यूज़ होना चाहिए, उसके अंदर ये बाद में ब्रैकेट्स नहीं होनी चाहिए थी. तो पहले तो आप ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. अब ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट करने के बाद हम इस तरह की मिस्टेक को भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं है. देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ये तीनों ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की स्टेटमेंट है. जो स्टेट नंबर 3 है वो हमारे पास ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के लिए स्टेटमेंट यूज़ नहीं होती. जो सेलेक्ट क्वेरी है, एक तरीके से हम लोग अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा सेलेक्ट क्वेरी को रिलेशनल अलजेब्रा में, तो रिलेशनल अलजेब्रा को हम सेलेक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास एक होता है प्रोजेक्ट. तो जो सेलेक्ट है वो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं होती, बट रेदर ये डेटा को निकालने के लिए यूज़ होती है. तो ये ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं होती. ओके अब क्वेश्चन नंबर 46 चेक करो. सो कॉन्करेंसी कंट्रोल रिलेशनल डेटाबेस इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन जो कॉन्करेंसी कंट्रोल है वो किस रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है. चेक कीजिए यहाँ पर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी व्हेन रीड ऑकर टू द डेटाबेस इन द मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, यानी कि जब आप एक डेटाबेस है, एक आपका कॉमन डेटा है जिसको सभी लोग शेयर कर रहे हैं, आप सभी लोग अगर इस डेटा को सिर्फ रीड कर रहे हैं तो हम डेटा इंटीग्रिटी के लिए हम कॉन्करेंसी कंट्रोल को यूज़ करेंगे. पर ध्यान दीजिए कॉन्करेंसी कंट्रोल में प्रॉब्लम्स तब आती हैं हम जब डेटा को राइट कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल लोग एक ही डेटा को राइट कर रहे हैं, तब इश्यूज आते हैं. रीडिंग में कोई इशू नहीं है बिकॉज सब एक करेक्ट डेटा ही रीड करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम तब आएगी जब डेटा को राइट करेंगे. तो पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ का करेक्ट आंसर नहीं है. दूसरा, टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी व्हेन अपडेट्स ऑकर टू द डेटाबेस इन सिंगल यूजर एनवायरनमेंट, देखो यहाँ पर जो यूजर है वो सिंगल यूजर की बात की गई है, और हम कहें हमें कॉन्करेंसी कंट्रोल जो है वो मल्टी यूजर के लिए यूज होता है. कॉन्करेंसी कंट्रोल तब यूज होता है जब हमारे पास मल्टी यूजर है. तो ये अगर यहाँ पर मल्टी यूजर होता तो इसका करेक्ट आंसर था, बट यहाँ पर सिंगल यूजर है इस वजह से ये भी रॉन्ग है. तीसरा है टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी व्हेन अपडेट्स ऑकर इन डेटाबेस इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, यानी कि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में अगर अपडेट ऑकर होंगे तो हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर. अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी व्हेन रीड्स ऑकर इन डेटाबेस इन सिंगल यूजर, पहली बात तो ये सिर्फ रीड कर रहा है और दूसरी बात ये सिंगल यूजर एनवायरनमेंट है, तो इन दोनों रीजंस की वजह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी रॉन्ग है. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स 3 यूजर प्रोसेसेस, ईच रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ डेटा, यानी कि आपके पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2
और P3, और सबको अपना काम खत्म करने के लिए 2 units ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है. इसको भी 2 यूनिट की ज़रूरत है, इसको भी 2 यूनिट की ज़रूरत है. सो इन सभी को अ टोटल ऑफ हमें 6 यूनिट्स रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है अपना काम फिनिश करने के लिए. द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर सच दैट नो डेडलॉक विल एवर ऑकर, यानी कि आप कम से कम कितने रिसोर्सेज हो सकते हैं कभी डेडलॉक ऑकर ना हो. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यहाँ पर. आप सभी प्रोसेसेस को जितना रिसोर्सेज चाहिए उसे एक कम दे दीजिए, यानी कि इस प्रोसेस को अगर हम एक रिसोर्स दे दें, यहाँ पर भी हम एक रिसोर्स दे दें और यहाँ पर भी हम लोग एक रिसोर्स दे दें, तो ये एक ऐसा वर्स्ट केस है, ये एक ऐसा केस है यहाँ पर भी डेडलॉक ऑकर हो सकता है, यहाँ पर भी डेडलॉक ऑकर हो सकता है. लेकिन अगर किसी भी प्रोसेस को एक रिसोर्स अगर हम एक्स्ट्रा दे देंगे तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा. तो टोटल आंसर इज, अगर हमारे पास मिनिमम 4 रिसोर्सेज अवेलेबल है तो हम लोग इस केस में डेडलॉक ऑकर नहीं होगा. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विच इज 4. ओके, आगे बढ़ते हैं. द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर विच इज 4096 इन बाइनरी फॉर्मेट. एक्चुअली ये जो चीज़ है आपको बेसिकली याद होनी चाहिए, इसको देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए. तो बेसिकली अगर हमें 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ 1 बिट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 1 बिट जो है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है. उसी तरीके से अगर आपके पास 2 बिट्स अवेलेबल है तो 2 बिट्स से आप 4 कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो 4 कॉम्बिनेशंस कितने होंगे हमारे पास, 0 0 0 1 1 0 1 1. तो इस केस में जो मिनिमम नंबर है वो 0 होगी और जो मैक्सिमम नंबर है वो 3 होगी. उसी तरीके से अगर आपके पास 3 बिट्स हैं विच कैन बी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1, तो इन 3 बिट्स से हम लोग टोटल 8 कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर जो मिनिमम नंबर है वो 0 है और जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारे पास 7 है. तो 3 बिट से हम लोग जो नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरीके से अगर आपके पास n बिट है तो विद द हेल्प ऑफ दिस n बिट मिनिमम नंबर आप जो रिप्रेजेंट करेंगे वो 0 होंगी और जो मैक्सिमम नंबर आप रिप्रेजेंट करेंगे वो होगी 2^n-1. जैसे कि यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है वो 8-1 है, दैट इज 2^3-1. यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है वो आपके पास 3 है विच इज 2^2-1. उसी तरीके से यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है वो 1 है विच इज 2^1-1. अब हमें जो नंबर रिप्रेजेंट करनी है वो है 4096. अब देखिए 4096 अगर मेरे पास टोटल 2^12 बिट्स, यानी कि अगर हमारे पास 12 बिट्स होती हैं तो इस 12 बिट्स की हेल्प से हम लोग नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगे 0 से लेकर 2^12-1. लेकिन हमें एक नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट करनी है, तो हमारे पास एटलीस्ट 13 बिट्स होना चाहिए. 13 बिट्स की हेल्प से हम जो नंबर्स रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो 0 से लेकर 2^13-1 रिप्रेजेंट कर पाएंगे. ध्यान दीजिए, अगर आप इसका आंसर 12 देते हैं तो ये आंसर आपका रॉन्ग होता. जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 13 है, क्योंकि ये जो नंबर है ये आपके पास 2^12 के इक्वल नंबर है, लेकिन हम सिर्फ 12 बिट्स से सिर्फ 2^12-1 नंबर ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 विच इज 13. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इंप्रूव्स द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. इसमें से कौन सी मेमोरी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड को इंक्रीज करता है. पहला ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी, दूसरा प्राइमरी मेमोरी, तीसरा सेकेंडरी मेमोरी, चौथा है कैश मेमोरी. सबको एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि सभी चीज़ें हैं क्या. पहले हम लोग कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं. आपके पास एक CPU है. CPU के सबसे क्लोज होता है हमारे पास रजिस्टर्स. ये सभी आपके पास रजिस्टर्स हैं. रजिस्टर्स के बाद हमारे पास होता है कैश मेमोरी. कैश मेमोरी के बाद हमारे पास होती है मेन मेमोरी, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या फिर आप इसको रैम भी कहते हैं. उसके बाद हमारे पास होती है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव. अब इस पूरी हायरार्की के अंदर अगर आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ बेसिकली हमारी जो स्पीड है मेमोरी की वो डिक्रीज होती है और जो कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होती है. आई मीन टू से कॉस्ट पर बिट जो है वो भी आपकी डिक्रीज होती है, यानी मेमोरी ज़्यादा सस्ती होती चली जाती है. जैसे कि आप हार्ड डिस्क की बात करेंगे, आजकल जो आपके पास 1 TB हार्ड डिस्क है वो आपकी 3500 की आएगी. लेकिन अगर आप मेन मेमोरी की बात करेंगे तो आपके पास 8 GB की जो मेन मेमोरी है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास कॉस्ट करती है, 3000 से लेकर 4000 तक. और इस तरफ जो कैश मेमोरी है वो मेन मेमोरी से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये जो है वो कैश मेमोरी से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो जो स्पीड है अगर आप इस डायरेक्शन से इस तरफ जाएंगे तो स्पीड आपकी इंक्रीज होगी. अब जो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट बेसिकली इट्स वर्चुअल जो एड्रेस स्पेस है हम उसको ही बोलते हैं एक तरीके से. वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है, हम एक प्रोसेस को वर्चुअल एड्रेस स्पेस कहते हैं. अब इस प्रोसेस को हम अलग अलग
सेगमेंट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सेगमेंट्स कहो या पेजेस कहो, तो उसके अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो उस प्रोग्राम को हम लेके आते हैं मेन मेमोरी में। सो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम मेन मेमोरी में वो प्रोग्राम स्टोर होता है, तब उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो फ्रीक्वेंटली रेफर्ड डेटा है उस फ्रीक्वेंटली रेफर्ड डेटा को हम कैश मेमोरी में रखते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आपकी मेन मेमोरी की स्पीड अच्छी है तो ऑब्वियसली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है थोड़ा फास्टर हो सकता है, और जो कैश मेमोरी और भी फ्रीक्वेंटली रेफर्ड डेटा है उसको हम रखते हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्टर हो सकता है। बट एनीवेज, अगर आपको मेमोरी की स्पीड को इंक्रीज करना है तो या तो आप प्राइमरी मेमोरी को का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर कैश मेमोरी की स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट इन दोनों में अगर मुझे एक आंसर सेलेक्ट करना हो तो इसका आंसर रखेंगे हम ऑप्शन नंबर 4, विच इज़ द कैश मेमोरी। बिकॉज कैश मेमोरी की जो साइज़ अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो बिकॉज कैश मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होती है, तो अगर हम कैश मेमोरी हमारी बड़ी होगी यानी कि ज़्यादा प्रोग्राम का डेटा आप कैश मेमोरी में स्टोर कर पाएंगे तो हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्पीड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।